गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे डेसिमल्स नंबर का, ठीक है। क्योंकि आप बहुत ऐसा सिचुएशंस आपके पास आता है जहां पे आपको फाइंड करना पड़ता है स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल्स नंबर। कैसे हम लोग फाइंड करेंगे आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट है ये इसी टाइप के क्वेश्चन में फंस जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन तो बहुत सारे स्टूडेंट बना लेते हैं, ठीक है। बट हम फिर भी ये दोनों क्वेश्चंस भी आपको बताएंगे और इस क्वेश्चंस भी आपको बताएंगे, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट का इसी टाइप के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होता है। तो सबसे फर्स्ट हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चंस को। इस क्वेश्चंस को देखने से पहले आप एक चीज़ माइंड में रखिए, ठीक है, कि हम लोग इसको कैसे फाइंड करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, लॉन्ग डिविजन मेथड से, ठीक है। लॉन्ग डिविजन मेथड से फाइंड करेंगे तो इसको करेंगे आप कैसे, ये देखिए। सबसे पहले आप इसको लिखना है इस फॉर्म में 2.56। अब सबसे पहले हम लोग इसमें पेयर करते हैं। यहाँ पे आप एक चीज माइंड में रखिएगा कि डेसिमल्स नंबर के इस साइड का पेयर अलग होगा और डेसिमल नंबर के इस साइड का पेयर अलग होगा। कभी भी आप ऐसा ना करें कि यहाँ पे ऐसा 2.5 है तो इसको पेयर कर दी, ये गलत है, ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसको करते हैं। यहाँ पे 2 बच रहा है और यहाँ पे 2.56। कैसे करना है, सबसे पहले इस नंबर को लगाएंगे तो 1 यहाँ लिखेंगे, 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1, माइनस करेंगे यहाँ से ये बच गया 1। उसके बाद इस 1 को आपको ला करके यहाँ पे ऐड करना है, कितना बच जाएगा 2। अब डेसिमल्स के बाद वाले नंबर को यहाँ पे आप लिखेंगे तो यहाँ पे क्या पुट कर देना है, डेसिमल्स 56। लास्ट में आपको 6 दिख रहा है, इट मीन्स आपको पता है जो नंबर यहाँ पे लिखते हैं उसी से मल्टीप्लाई भी करते हैं, ठीक है, इनटू कर लेंगे हम लोग। 6 6 36 6 कैरी 3 6 2 जार 12 प्लस 3 कितना हो गया 15, मीन्स 156 आपके पास आ चुका है। यहाँ पे आपको लिख देना है 156, यहाँ पे ये माइनस करना है और ये हो गया आपका कैंसल। इट मीन्स इसका जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, यहाँ पे भी आपको 6 लिख लेना है, ठीक है, यहाँ पे भी 6 और यहाँ दोनों जगह पे 6। तो इसका आंसर कितना आ गया आपके पास 1.6। ये तो था परफेक्ट नंबर, ठीक है, 3 डिजिट का। ये भी परफेक्ट नंबर है 4 डिजिट का, और वो एक अनपरफेक्ट नंबर है। तो अनपरफेक्ट वाले में ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। हम लोग इसको भी देख लेते हैं, इसका क्या करना है, सेम इसका भी करना है, लिखना है 12.25। सबसे पहले फर्स्ट जो कंडीशन है वो क्या करना है, इसका पेयर करना। पेयर जब आप कर लिए उसके बाद क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो 12 है, 12 किसके परफेक्ट स्क्वायर में आता है, तो देखिए 3 3 9, 4 4 16, तो ज़्यादा हो गया 16, तो हम लोग कितना करेंगे 3 3 3 3 कितना हुआ 9। आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 - 9 इट मीन्स कितना हो गया 3। इस 3 को आपको यहाँ लाना है, ऐड करना है, ये कितना हो गया 6। उसके बाद आप डेसिमल्स के बाद वाले नंबर को ला रहे हैं, इट मीन्स यहाँ पे आपको पुट करना है डेसिमल्स और ये लिखना है 25। लास्ट में 5 है, इट मीन्स आप समझ जाइए कि इसको कितने से करना होगा, 5 से। 5 5 0 25 कैरी 2, 5 6 0 30 और 2 32, 3 2 5 आ गया। यहाँ पे आप लिखिए 5, यहाँ पे भी आप लिखिए 5 और ये लिखिए आप 3 2 5, नेगेटिव कीजिए, ये आपका 3 हो गया कैंसल। इट मीन्स इसका कितना आंसर आ गया, इसका आंसर आ गया आपका 3.5। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको हम लोग देखते हैं, इसमें आपको क्या करना है वो देखिए, इसको सबसे ज़्यादा ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको क्या करना है, 12.125 लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद जब आप पेयर कर रहे हो और डेसिमल्स के बाद जब ये नंबर ऑफ जो नंबर ऑफ डिजिट है मीन्स 1 2 3 पीस है, तो इसको आपको 4 पीस में कन्वर्ट कर लेना है। इट मीन्स आपको क्या करना है, एक यहाँ पे पुट करना है 0, ठीक है। अब आपने जब 0 पुट कर लिया उसके बाद आपको पेयर करना है, ये 2 का पेयर और ये 2 का पेयर, यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें था। अब आपको क्या करना है, ऑब्वियस सी बात है डिवाइड करेंगे कितने से, 3 से। तो 3 3 0 कितना होगा 9, इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 - 9 कितना बच जाएगा 3। इस 3 को ला करके आपको यहाँ पे ऐड करना है, कितना हो जाएगा 6। उसके बाद आप यहाँ से 12 लाएंगे तो 12 के पहले आपको देखना है डेसिमल से, आपको यहाँ पुट कर देना है डेसिमल, इस 12 को यहाँ पे ले आइए। यहाँ देखिए अभी आपने लगाए थे 65 5 0 तो कितना आया था 3 2 5,
यहाँ पे 312 ही है, इट मीन्स 4 से लगाना होगा। देखिए 64 × 4 कितना आ जाएगा, 4 × 4 = 16, 6 carry 1, 6 × 4 = 24 और 1 = 25, 256 आया, इट मीन्स आपको इतने से लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है 256, 256 वैल्यू आया, बट हम लोग कितने से कर रहे थे, 4 से, ये 4 था ना। अब आपको क्या करना है, नेगेटिव 12 - 6, 6, यहाँ पे आपके पास बच गया 10, 0 मीन्स 10 आ गया, 10 में 5 इट मीन्स 5, और यहाँ पे 3 था, 1 यहाँ लिए थे, इट मीन्स 2 कैंसिल। अब यहाँ से फिर से आपको कितना लाना है, 50 आपने ले आए। उसके बाद आपको यहाँ से इस 4 को ऐड कर लेना है, कितना आ चुका है 8 और ये 6, 68 आपका आ चुका है। ठीक है, 68 आ चुका है। अब आपको लाना कितना है, 5650, आपके पास अप्रोक्स कितना है, अगर एक जीरो भी पुट कीजिएगा तो इट मीन्स 688 मीन्स 70। ठीक है, मीन्स 7 1 7 7 7 8 7 8 आप लगा सकते हैं। देखिए, ठीक है, आप लगा सकते हैं 68 यहाँ पे 8 से ट्राई कर सकते हैं आप, 8 से ट्राई कीजिए, 8 8 = 64, 4 कैरी कितना बच गया आपके पास, 6, 8 8 = 64, 64 और 6 = 70, 0 कैरी 7, 8 6 = 48, 48 और 7 कितना आ गया आपके पास, 55। ठीक है, 55 आ गया आपके पास। यहाँ पे आप लिखिए कितने से, 8, यहाँ पे भी आप लिखिए 8 5 6 sorry 5 5 5 5 0 4, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए आप, 10 - 4 = 6, यहाँ पे आपके पास आ गया 4 - 0 इट मीन्स 4, और यहाँ पे पास आपके पास है 6 - 5 = 1, 5 - 5 = 0। अब डेसिमल्स के बाद आपके पास कितने नंबर आ गए हैं, 2 डिजिट आ गए हैं। अब आपको आगे निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जनरली जो हम लोग हैं डेसिमल्स के बाद 2 ही डिजिट निकालते हैं। इट मीन्स इसका आंसर कितना आ गया, 3.48। बट अगर आपसे बोला जाता है कि डेसिमल्स के बाद 2 डिजिट निकालने के लिए, आपको 3 डिजिट निकालना है, ठीक है, और उसको राउंड ऑफ करके आपको 2 डिजिट मिलाना है। तो वैसे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा, कैसे हम लोग डेसिमल्स नंबर का फाइंड कर सकते हैं स्क्वायर रूट। अभी भी अगर आपका कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चैनल पे न्यू है, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।